हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक नया प्रोडक्ट जो कि मेरे लिए एकदम ही नया है, और वो है पम्प का क्लिंजिंग बम। बम प्रोडक्ट्स मैंने पहले कभी नहीं यूज़ किया था, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं बम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। तो वहाँ पर मुझे पम्प का मिल गया, और ये वाले प्रोडक्ट मैंने स्मिटन वाले वीडियो में शेयर किया था, स्मिटन वाले ट्रायल पॉइंट से मैंने इसको परचेस किया था। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आएगा, और ये जो वीडियो है इसको ज़रूर देखना, क्योंकि इससे ही आपको देना है नेक्स्ट वीडियो में गिव अवे का आंसर। तो चलो फटाफट से आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है पम्प का क्लिंजिंग बम। इसका जो कलर है वो कुछ लाइट पिंक सा है, और इसके अंदर जो कंसिस्टेंसी है बम का वो थोड़ा सा ना स्क्रबर कंसिस्टेंसी में है। तो इसको मैं थोड़ा सा अपने नेल से ले रही हूँ, और मुझे ये लगा इतना सा लेके कि इतना सा ही काफ़ी है आपके फुल फेस के मेकअप को रिमूव करने के लिए। डार्क आई मेकअप, लिप मेकअप सारे एकदम मेल्ट हो चुका है सेकेंड के अंदर। अभी मैं एक कॉटन टिश्यू की मदद से सारे मेकअप को रिमूव कर रही हूँ जो बम के साथ रिमूव हो रहा है, और ज़िद्दी से ज़िद्दी जो आई मेकअप्स है वो भी रिमूव हो रहा है। एकदम ही क्लीन हो गया मेरे सारे मेकअप। वीडियो पसंद आया, ये वाले जो क्लिंजिंग बम है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिला। अगर आपको पहले से ही पता था तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पता था तो आपने जान लिया कि ऐसा भी एक बम है, क्लिंजिंग बम है, जो कि स्क्रबर का भी काम करता है और क्लिंजिंग का भी काम करता है। वैसे देखने से तो पता नहीं चलता, जब आप इसको यूज़ करते हो, जब मैं यूज़ कर रही थी तभी आपको देख के पता चला था कि ये डेफिनेटली स्क्रबिंग का काम करता है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा जैसे कि शुगर पार्टिकल्स होते हैं ना, डस्ट शुगर पार्टिकल वैसा वाला है। तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वेरी गुड बाय, टेक केयर।